गर्ल्स, दिस इज मी सुखप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ हाउ टू अप्लाई ग्लिटर आई शेडो लाइक अ प्रो। किस तरह से आप एक परफेक्ट ग्लिटर आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। मैं प्रेस ग्लिटर यूज करूंगी। मेरी लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, जिसमें मैंने लूज ग्लिटर यूज किए थे और मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि आप आई लाइनर के साथ हमें बताएं कि ग्लिटर आई शेडो कैसे लगाना है। तो आज की वीडियो में मैंने आई लाइनर लगाना भी बताया है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को बिल्कुल मिस ना कर सके। सो नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट अवे टू द वीडियो। सबसे पहले मैं अपने बालों को थोड़ा सा सेटल कर लूं, ताकि वो मेरे ट्यूटोरियल के बीच में प्रॉब्लम ना करे। सो फर्स्ट स्टेप, ग्लिटर आई शेडो लगाने से पहले हम अपने आई का बेस रेडी करेंगे। जैसे कि आप चाहें तो कोई भी कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, आप आई प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो आई शेडो या ग्लिटर आई शेडो हम अप्लाई करें उसका स्टे लंबे समय तक रहे, वो स्प्रेड ना हो, प्लस काफ़ी एलिगेंट लुक आए। लेकिन मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ओलिविया का पैनकेक। इसको मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है और ये आई बेस के लिए बहुत ही कमाल का काम करता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, मैं इसकी एक ही स्वाइप लगाऊंगी and it just cover my eyes very well. Base बहुत ही अच्छा बनता है इससे। तो पैनकेक किस तरह से यूज करते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी किया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, ताकि आप वहां से जाके मेरा वो वीडियो भी देख सकें। तो अभी मैंने अप्लाई कर लिया है पैनकेक और इसको हल्का सा हमें होने देना है ड्राई, ताकि ये जो बेस है आई मेकअप का वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। उसके बाद इसको हल्का सा सेटल करने के लिए मैं लूज पाउडर अप्लाई करूंगी मेरी आईलेट्स के ऊपर, जिनको मैं अपनी बस फिंगर टिप के साथ ही अपने आईलेट के ऊपर अप्लाई कर दूंगी, ताकि उनका जो बेस है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी मेरे ब्यूटी बिग बैंग के पैलेट में से ये लाइट न्यूट्रल पीच कलर, जिससे मैं पूरी अपनी आईलेट के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लफी ब्रश के साथ। ये जस्ट एक बेस कलर है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन लाइट और न्यूट्रल कलर लें। अब इसके बाद अगर आपको अपना आई शेडो और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाना है, तो आपको एक क्रीज कलर अप्लाई करना जरूरी है, ताकि आप जो ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करो वो और ज्यादा निखर के आए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी ये डार्क ब्राउन कलर मेरे क्रीज को कट करने के लिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस डोम शेप्ड ब्रश, जिसके साथ मैं ये डार्क ब्राउन कलर अपनी क्रीज के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। कलर का आप ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक मैट कलर अपनी आईलिड पे अप्लाई करें। जैसे आज की वीडियो में मैं ये जो ग्लिटर यूज कर रही हूँ, ये मुझे सेंड किए हैं इंस्टाग्राम स्टोर से ग्लिटरी वर्ल्ड ने। वो ये ग्लिटर आई शेडो खुद घर पे ही बनाती हैं एंड दे आर वेरी इजी टू यूज। लाइक अगर आप लूज ग्लिटर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक बिगनर है तो इनको यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि कितने इजी है इनको यूज करना। जैसे मेरी लास्ट वीडियो में मैंने लूज ग्लिटर यूज किया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था स्प्रेड हो रहा है हमसे, हमारा आईलाइनर नहीं लग रहा। तो आप लोग ये वाला ग्लिटर ट्राई कर सकते हो, इट्स वेरी इजी टू यूज। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैं आज पर्पल ग्लिटर आई शेडो लगाने वाली हूँ, तो मैं अपने पॉपफिल के आई शेडो पैलेट में से ये पर्पल कलर लूंगी और इसको पहले अपनी आईलेट के ऊपर अप्लाई करूंगी। सो जस्ट वॉच, बहुत ही कम अमाउंट धीरे धीरे अप्लाई करना है और क्रीज लाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। अब आप ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करने से पहले लाइनर अप्लाई कर लें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करने के बाद आई लाइनर जो है उसके ऊपर मूव नहीं होता। सो आई विल रिकमेंड अप्लाई अ थिन लाइन ऑफ लाइनर फर्स्ट। सो आज मैं यूज करूंगी बेला वोस्टे का स्केच आई लाइनर एंड इसके साथ मैं एक बहुत ही थिन और फाइन लाइन क्रिएट करूंगी। और
और अगर आपको विंग क्रिएट करना है तो आप इसी के साथ पहले विंग क्रिएट कर लें। स्मॉल फ्लैट ब्रश की मदद से ये जो ग्लिटर आई शेडो है इसको अप्लाई करूंगी क्रीज लाइन के अंदर अंदर। आपको बस आई शेडो को हल्का हल्का अपनी आईलिड के ऊपर इस तरह से पैट करना है। ब्रश जो है वो जितना फाइन रहेगा उतनी इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। ड्राई हो रहा है, मैं इसके अपने आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माय पॉपफिल आई शेडो पैलेट और उसका ब्राउन और ब्लैक कलर। एज यू नो कि मुझे पाउडर आई शेडो, ये जो ब्राउ फिलिंग है, ये ज़्यादा पसंद है रेदर देन पेंसिल, तो मैं इसी के साथ अपने ब्राउज को फिल करने वाली हूँ। क्योंकि जब आपने इतना हैवी ब्राइट आई मेकअप किया है तो आपके ब्राउज, आपके अंडर आईज, एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। एक कोट और आई लाइनर का अप्लाई करके उसको और प्रोमिनेंट कर सकते हैं। काजल के लिए मैं यूज करूंगी एलिटीन का आई ड्रामा काजल। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने वन स्टेप बोला था और मैंने इतने सारे स्टेप्स आपको बता दिए, तो मेनली वन स्टेप था आई शेडो को, जो ग्लिटर आई शेडो है उसको अप्लाई करने का। ये रेडी टू यूज थे, तो हाउ कैन यू यूज दिस। अब मैं अपने बाकी का बेस मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने फाउंडेशन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, मैंने यूज किया है ब्लू हेवन का सिल्की फ्लोरिना फाउंडेशन। और अंडर आईज को कंसील करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ओलिविया का पैन स्टिक इन द शेड नंबर 05। ध्यान रखें अपने अंडर आईज को कंसील जरूर करें, क्योंकि हमने एक डार्क आई शेडो अप्लाई किया है तो अंडर आईज को ब्राइटन करना बहुत जरूरी है। आप कोई भी कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने ब्राउन के नीचे एक शैम्पेन गोल्ड कलर का हाइलाइटर हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ उसको हाइलाइट करने के लिए। अंडर आईज को बेक करना भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट टोन फेस पाउडर मेरी अंडर आई एरिया पे और जहां जहां पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है टू ब्राइटन अप द प्लेस। जब तक मेरी अंडर आईज बेक हो रही है मैं अपने फेस को हल्का सा ब्रॉन्ज अप कर रही हूँ। मैंने ब्यूटी बिग बैंग का पैलेट यूज किया है। आप चाहे तो सिवाना का पैलेट, सिवाना कलर्स का पैलेट ले सकते हैं, बिल्कुल सेम उसकी क्वालिटी है एंड इट्स वेरी गुड टू ब्रॉन्ज अप योर फेस, प्लस इट्स अफोर्डेबल। फेस हाईलाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सिवाना कलर्स का ब्रिक हाईलाइटर, ये मल्टी कलर हाईलाइटर है। ब्लशर के लिए मैंने यूज किया है मिस क्लेयर का ब्लशर और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीची कलर है। अंडर आईज के से जो पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर दिया है। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी बिग बैंग का मस्कारा। इसका जो वॉन्ड है वो बिल्कुल मेबलिन के लैश सेंसेशनल मस्कारा की तरह है। आप चाहें तो वो वाला मस्कारा भी ट्राई कर सकते हैं, इट गिव्स वेरी नाइस वॉल्यूम टू लैशेस। आई एम रियली सॉरी गर्ल्स, देर वॉज समथिंग रॉन्ग विद माई रिकॉर्डिंग और जब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी तो वो वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो जनरली मैंने अपने, आपको बता देती हूँ, मैंने अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई किया है ग्लैम 21 का लिप लाइनर और उसके ऊपर मैंने यूज किया है NYBA का लिप क्रेयॉन। उसका शेड नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब मैं अपने अंडर आई एरिया को हल्का सा सेम पर्पल कलर के साथ एक टचअप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था आईज थोड़ी फ्लैट लग रही है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए सिंपल स्टेप ग्लिटर आई शेडो को अप्लाई करने के। आप चाहे बिगनर हैं फिर भी आप प्रो के जैसे ग्लिटर आई शेडो किस तरह से लगा सकते हैं, मैंने आज आपके साथ ये सीक्रेट शेयर किया। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप ग्लिटर आई शेडो ब्राइडल मेकअप के लिए लगा सकते हो, नाइट पार्टीज के लिए लगा सकते हो, रिसेप्शन पार्टी, वेडिंग पार्टी,
यू कैन जस्ट यूज देम टू पॉप योर आईज आउट. ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग लगते हैं, स्पेशली नाइट फंक्शंस के लिए और ब्राइडल मेकअप में दुल्हन के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है. तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं. आई विल बी रियली ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो. टिल द टाइम बाय, टेक केयर.